गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट पे। आज है 25 दिसंबर और हम देखने वाले हैं आज की डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले हम टुडे इन हिस्ट्री देखेंगे। तो आज है 25 दिसंबर और आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस डे। तो आप सभी को मेरी क्रिसमस, लॉर्ड जीसस आप सभी के सारे विशेष को फुलफिल करें, ऐसी हमारी आपसे लॉर्ड जीसस से कामना है। इसके अलावा ये जो क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन, ये लॉर्ड जीसस जो कि क्रिश्चियंस पीपल हैं उनके लॉर्ड हैं, उनका आज के दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी क्रिसमस डे लॉर्ड जीसस का बर्थडे है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है। तभी अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और वहाँ पर जो जीत मिली है राष्ट्रपति चुनाव में, वो मिली है अशरफ गनी को। अशरफ गनी जो कि पिछले कार्यकाल में भी यही राष्ट्रपति थे, यानी पिछले 2014 से 2019 तक, और अगले फिर दूसरा कार्यकाल इनका होगा 2019 से आगे तक। इसके अलावा इन्होंने अशरफ गनी ने जो अब्दुल्ला हैं इनके प्रतिद्वंदी थे, इनको हरा करके इस बार का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ये एक लैंडलॉक कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है काबुल, और यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी, यानी यहाँ पे अफगानी करेंसी यूज की जाती है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है काबुल। तो ये था अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को क्या नाम दिया है। तो अभी हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने एक नया कॉमन करेंसी यूज करने की घोषणा की है, उस करेंसी का नाम है इको उसका नाम है। ये 8 पश्चिमी अफ्रीकी जो देश हैं ये फ्रांस की टेरिटरी रह चुके हैं। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ही यह घोषणा की है कि अब ये 8 पश्चिमी अफ्रीकी देश जो हैं ये एक नई करेंसी यूज करेंगे जिसका नाम है इको, और जो पुराना जो करेंसी था सीपीएफ फ्रैंक अब ये करेंसी वहाँ पे यूज में नहीं होगी, जो कि फ्रांस की करेंसी है। और ये जो 8 देश हैं इनका क्या नाम है, तो ये हैं बेनिन, बुर्किनो फासो, गिनी बसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टेगो। यहाँ पे वो लिस्ट है, आप देख सकते हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हम ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप रिविज़न आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर में हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो लेक्चर को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें और उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको अपने अगले लेक्चर में बताएंगे, जैसा कि हमने कल के जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हम आज के लेक्चर में आपको लेक्चर के लास्ट में बताएंगे। तो लास्ट तक देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ये भी आपको याद रखना है, इमैनुअल मैक्रोन है। इसके अलावा जो फ्रांस की जो कैपिटल है वो भी आपको याद रखना है, पेरिस है। और फ्रांस में करेंसी जो यूज होती है वो यूज होती है सीपीएफ फ्रैंक। इसके अलावा चूंकि फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, तो वहाँ पे यूरो भी यूज किया जाता है करेंसी के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो विदेश सचिव जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला। ये विजय गोखले का स्थान लेंगे और 29 जनवरी 2020 से पद अपना संभालेंगे। और ये जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं ये अभी हाल ही में ये क्या है, अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं, अभी वर्तमान में अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं, और ये 1984 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो उपभोक्ता दिवस है ये मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, या नेशनल कंज्यूमर डे भी इसको बोला जाता है। तो नेशनल कंज्यूमर डे या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये सन 2000 से लगातार मनाया जा रहा है।
तो ये जो 24 जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ये मनाने का जो उद्देश्य है ये है कि इसी दिन 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता बिल जो था उसको पास किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, उस पर सहमति दी गई थी। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, तो उनके द्वारा इसी दिन उस पर साइन किया गया था। इस वजह से 24 दिसंबर के दिन उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का उपभोक्ता आंदोलन के प्रति जो लोगों को जागरूक करने के लिए भी इसको मनाया जाता है। जैसे और इसका जो स्लोगन है वो क्या है, जागो ग्राहक जागो। इसके अलावा ये जो इसकी इससे रिलेटेड जो उपभोक्ता मामलों से रिलेटेड जो मंत्रालय है उसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो कौन है, ये आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के जो मंत्री हैं, एक हिंट आपको हम देते हैं कि वो दो मंत्रालयों के मंत्री हैं, तो आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि वो किन किन मंत्रालयों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम अपना आज का मोटिवेशनल जो कोट है वो देख लेते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है कि सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने दें। यानी सपने ऐसे होने चाहिए जिनसे आपकी नींद उड़ जाए, ऐसे सपने ना देखिए जिनसे कि जो आप नींद में खुली आंखों से सपने देखिए। कहने का मतलब ये है, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। तो सपने कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपकी नींद को उड़ा दें। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर लाइक करें या शेयर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक 7 में से 1 भारतीय मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित है। यानी मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित है प्रत्येक 7 में से 1 भारतीय, यानी डिप्रेशन की प्रॉब्लम इंडियंस में इस समय बहुत ज़्यादा है, ऐसा बताया गया है एक पत्रिका के द्वारा। तो ये एक पत्रिका है, एक संस्था है या पत्रिका जो प्रकाशित करती है, लानसेट पेपर। ये एक मेडिकल जर्नल है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका लॉन्सेट जर्नल। इसके द्वारा ये चीज़ बताई गई है। ये लॉन्सेट जर्नल जो ये पेपर है ये क्या है, तो ये 1823 में इसकी पहली बार ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी एक इंग्लिश जनरल के सर्जन के द्वारा, जिनका क्या नाम था, थॉमस वैकली ने इसकी स्थापना की थी लॉन्सेट पेपर की नामक संस्था की। तो ये लॉन्सेट साइकियाट्री नामक पेपर में ये रिपोर्ट बताया गया है कि भारत में प्रत्येक 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित है। और इसका अर्थ है कि 14.3% आबादी भारत की जो है वो मानसिक विकार या डिप्रेशन से पीड़ित है। और ये जो आंकड़ा है 2017 में 4.57 करोड़ लोग डिप्रेशन से शिकार थे, जो कि अब बढ़ करके हो गया है 19.73। तो पहले 4.57 करोड़ लोग थे, अब क्या हो चुके हैं 19.73, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। और इसमें एक बात और बताई गई है कि जो महिलाओं में डिप्रेशन की अधिकता है, मीन्स पुरुषों में डिप्रेशन के शिकार जो लोग हैं वो कम है, महिलाएं ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में जनवरी 2020 में किया जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एक एनजीओ है एक प्रकार की, तो और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है पे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जिनेवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1971 में। इसके अलावा जो इसका मोटो है विश्व आर्थिक फोरम या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मोटो है वो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ वर्ल्ड। ये इसका मोटो है। और ये जो बैठक होगा 50वीं वार्षिक बैठक, ये होगा दावोस में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रत्येक हर साल ये बैठक होती है, और इस बार ये 50वीं वर्ष का बैठक है, वार्षिक बैठक।
और ये हर बार दावोस में ही होता है। तो ये आप याद रखें, जब कभी भी वार्षिक बैठक की बात हो इकोनॉमिक फोरम की, तो उसका आंसर हमेशा दावोस ही होगा। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ और कोई फैक्ट आपको बताऊं, तो ये है कि इस बार का जो थीम है, इस बैठक की जो थीम है वो ये है कि स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये जो थीम है आप इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। और यहाँ की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है स्विट्जरलैंड की, और इसका कैपिटल है बर्न। तो ये था इससे जुड़ा हुआ सारा फैक्ट। तो अगला क्वेश्चन है कि अपोलो हॉस्पिटल समूह के किस संयुक्त प्रबंध निदेशक ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है, किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है संगीता रेड्डी को। संगीता रेड्डी अब अगली अध्यक्ष होंगी फिक्की की। तो फिक्की क्या है, तो ये जो इंडिया के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है फिक्की। तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक प्रकार के बिजनेस एसोसिएशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1927 में, यानी ये बहुत ही ओल्डेस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पे की गई थी। और फिक्की की जो ये चेयरमैन बनी है, फिक्की की जो अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी, इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है संदीप सोमानी का इन्होंने स्थान लिया है संगीता रेड्डी ने। इसके अलावा जो फिक्की की स्थापना की गई थी 1927 में, ये घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने केतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को जो मंजूरी दी गई है, ये दी गई है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली कैबिनेट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है, ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए इस क्षेत्र में काम करने के लिए ही इसको पास किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को। और इसका जो, ताकि दिल्ली जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का हब बनाया जा सके या उसकी राजधानी बनाया जा सके दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है वायु प्रदूषण। तो ये वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में ही ये प्रयास है। और इसका टारगेट है कि, और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन बोर्ड बनाया जाएगा जो बोर्ड इस दिशा में कार्य करेगा कि 2024 तक जो दिल्ली में वाहनों की रजिस्ट्रेशन है उसमें से कम 25% वाहन ऐसे हों जो इलेक्ट्रॉनिक हों। अगला क्वेश्चन है कि के चंद्र बाबू का हाल ही में निधन हुआ, के चंद्र बाबू का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो के चंद्र बाबू जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये जुड़े हुए थे फिल्मी क्षेत्र से, फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए थे। ये मलयालम फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। और इनके अलावा इन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी फिल्मों में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट फॉक टेल्स ऑफ बिहार, ये एक पुस्तक है कहानियाँ जिसमें 37 कहानियाँ हैं, फॉक स्टोरीज हैं, मीन्स लोक कहानियाँ हैं जो कई जनरेशन से लोगों ने एक दूसरे को सुनाते हुए आए हैं, वैसी कहानियाँ जो काफ़ी प्रचलित हों गाँवों में, तो उन सारी पुरानी कहानियों को इसमें संग्रहित किया गया है एक जगह, 37 स्टोरीज को। तो ये बुक जो लिखी गई है, ये लिखी गई है नलिन वर्मा एक पत्रकार हैं ये और लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है, तो पिछले लेक्चर का जो क्वेश्चन है वो था कि हाल ही में पारित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल 2019 द्वारा कितने संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
तो अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 2019 बिल पास किया गया, जिसमें चार संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। तो चार जो संस्कृत संस्थान हैं उनको अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। ये कौन कौन से संस्थान हैं? तो ये है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल में है, और दूसरा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश। और इन सभी संस्थानों को क्या किया जाएगा, विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय। और यह जो विश्वविद्यालय है संस्कृत शिक्षा प्रदान करते हैं, और विश्व भर में लगभग 100 देशों में के 250 से अधिक विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। अकेले जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो ये था हमारा पिछले लेक्चर का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका आंसर आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्वेश्चन है कि किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ दो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताना है जिसने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीता है और दो और नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, और लास्ट तक लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें अपने जरूरी सुझाव भी दें और बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।